है 36, मिशन शक्ति। ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है महिलाओं के विषय को लेकर। अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया, जो भी योजनाओं को हम लोगों ने पढ़ा, वो संबंधित था तो महिलाओं की पोषण सुरक्षा से। सरकार किसी भी तरीके से महिलाओं को और शून्य से लेकर 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, महिलाओं में एनीमिया के स्तर को नीचे लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है, जो 2 अक्टूबर 1975 से संचालित है और 1 अगस्त 2022 से जिसका समेकीकरण किया गया और नाम बदलकर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 रख दिया। इस योजना में अधिक जन सहभागिता की अवधारणा को रेखांकित किया गया है और अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को। इसमें जो बच्चे गंभीर और संकटग्रस्त कुपोषित बच्चे हैं, उनको पौष्टिक आहार, परामर्श, परिचर्चा, शिविर का आयोजन इत्यादि के माध्यम से उनको कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर निकलने के लिए सहायता दी जा रही है। फिर हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। इसके अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय सेवाएं, चिकित्सीय दवा और परामर्श की सुविधा दी जा रही है। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा सरकार ने एक व्यवस्था भी कर रखा है जिसके तहत वह पोषण स्तर का आकलन करती है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि सरकार किस प्रकार से देश में महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी। हमें महिलाओं को और भी ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। आज देखें तो महिलाएं या फिर नारियों या फिर बच्चों के समक्ष, विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं, समस्याएं बहुत हैं, या संक्षेप में कहें तो जो संपूर्ण वातावरण है वो महिलाओं के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो अब पोषण की तो बात हो गई, लेकिन कुछ पहलू जीवन के ऐसे हैं जहां महिलाओं को हमें और संबल और सामर्थ्य देने की जरूरत है। तो जैसे देखते हैं पोषण के अलावा और क्या महिलाओं को तकलीफ है, तो बात समझ में आएगी इस योजना का। तो देखें पोषण के अलावा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बालिका के जन्म से ही, बालिका के जन्म से ही पकड़ते हैं कि क्या क्या समस्या उसको सामना करना पड़ता है। सबसे पूर्व तो उसको इस जीवन में आने से पूर्व ही, इस सुंदर प्रकृति में आने से पूर्व ही उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। माँ बाप को विचार करना पड़ता है, अगर पहले जन्म से पहले ही अगर नवजात के या नवजात की लिंग का पता चल जाता है तो माँ बाप फिर वहीं से, अभी वह जीव प्रकृति में आई ही नहीं है, वहीं से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। इसीलिए सरकार ने लिंग चयन और भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध और अपराध का दंड रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रकृति में आने से पहले ही उनके खिलाफ लिंग चयन और भ्रूण हत्या जैसे अपराध होते रहते हैं, समझ रहे हैं। अभी तो उनका इस प्रकृति पर प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है। जब जन्म ले लेती है बालिकाएं, उसके बाद लैंगिक उत्पीड़न खबरें आते रहती हैं, लैंगिक उत्पीड़न
लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, दहेज अपराध, वैश्यावृत्ति, मानव दुर्व्यापार इत्यादि अपराध महिलाओं के खिलाफ होते रहते हैं। तो हमें इन सब से भी महिलाओं को सुरक्षा देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हमें सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं देनी है, बल्कि महिलाओं को क्षमतावान बनाना है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और अपने पोषण का भी ख्याल स्वयं कर सकें। तो यानी बात अब आ जाएगी तो महिला सशक्तिकरण की, क्या आ जाएगी तो महिला सशक्तिकरण की, और इसमें विशेष रूप से किस प्रकार की सशक्तिकरण, तो आर्थिक सशक्तिकरण। अगर महिला के पास अगर आर्थिक सशक्तिकरण है तो वह अपना संपूर्ण विकास और अपना संपूर्ण सुरक्षा कर सकती है। उदाहरण आप लोगों के सामने होंगे, जिस महिला के पास आर्थिक स्रोत होता है उस पर अत्याचार भी कम होते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं होती हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत महिला पर भी अत्याचार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अनुपात देखेंगे तो वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं उनके खिलाफ अपराध भी और पोषण के चक्र में फंसने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं, लेकिन वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, अपना आय स्वयं से प्रबंधित करती हैं, उनके लिए सशक्तिकरण का राह भी बेहतर तरीके से खुल जाता है। ठीक, तो मिशन शक्ति के यही दो उद्देश्य हैं। मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है कि अगर निचोड़ देखें इस पूरे मिशन का, एक अभियान के रूप में यह चल रहा है, तो इसका अगर पूरा निचोड़ हम लोग निकाल पाए तो हमें मालूम होगा कि इस मिशन शक्ति के माध्यम से सरकार महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सरकार महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में समेकित कार्यक्रम के रूप में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। ठीक, यहां पर देखिए बच्चों, मिशन शक्ति क्या है, एक समेकित कार्यक्रम है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। कैसे है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, वो बता रहे हैं। अभी देखिए इसमें क्या करना है, हमें महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा, यानी इस वाले पार्ट। अब देखें अगर हम इस दोनों शब्द को देखें तो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे होते तो एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें संरक्षा में क्या शामिल है, तो सेफ्टी, क्या शामिल है सेफ्टी, और सुरक्षा में क्या शामिल है तो सिक्योरिटी, क्या शामिल है तो सिक्योरिटी, और सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या है अंतर है। देखिए तीन प्रकार के शब्द हो जाते हैं, एक तो हो जाता है प्रोटेक्शन, एक तो क्या हो जाता है प्रोटेक्शन, सेफ्टी और सिक्योरिटी।
तो सेफ्टी इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर इन तीनों को समझना है, इन तीनों में अंतर क्या है, तो सपोज करिए कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ये क्या है, तो कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन साइट यानी जहां इमारत बन रही है, जहां इमारत का निर्माण हो रहा है। अब यह जो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या लगाए गए होंगे, बैरियर, ठीक, ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। आप लोग देखे होंगे एक पूरी बाउंड्री क्रिएट की जाती है कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द, ठीक, और इसको कहेंगे प्रोटेक्शन। ये जो लेयर है इसको क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन कहेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या है, वर्कर है, अंदर कौन काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्कर लोग हेलमेट पहने होते हैं या उनके ग्लव्स होते हैं, वो क्या है, तो सेफ्टी है। सिक्योरिटी क्या है, अभी ये तो जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, वो क्या है, प्रोटेक्शन है, ठीक। इसके अलावा कि जब भी कोई आकर इस प्रोटेक्शन सिस्टम को ब्रीच करेगा, इसको उल्लंघन करेगा, तो एक रिस्पॉन्स किया जाएगा और लगातार सर्विलेंस किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सब शामिल आ गए, प्रोटेक्शन भी आ गया और सेफ्टी भी आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, सिक्योरिटी है, यह क्या है, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी के अंतर्गत छोटा सा पार्ट क्या है, प्रोटेक्शन है, और छोटा सा पार्ट क्या है, सेफ्टी है। तो यहाँ देखें हम लोग तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि पूरा प्रोटेक्शन क्या है, सिक्योरिटी है, पूरी सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी है, लेकिन पूरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे देखिए ये वाला पार्ट, ये पूरा सेफ्टी, ये वाला पार्ट प्रोटेक्शन नहीं है। वेन डायग्राम पढ़े से पढ़े होंगे, बात समझ रहे हैं, तो अंतर समझ में आया क्या। तो सेफ्टी का मतलब है महिलाएं जहां भी जाएं, बस में जाएं, तो उनके शरीर की वहां पर क्या हो, सेफ्टी हो। जैसे यहाँ पर वर्कर की है, तो बस में जाए तो बस में पैनिक बटन होना चाहिए, समझ रहे हैं, या जहां भी जाए तो उनके लिए कोई पुलिस हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए। और सिक्योरिटी मतलब हमको पूरा एटमॉस्फियर को ऐसा बनाना है कि इन सब चीजों की जरूरत हमें कम से कम हो, लोगों के बिहेवियर को ही चेंज करना है, समझ रहे हैं बात को, ठीक। और प्रोटेक्शन का मतलब एक लेयर बनाना है चारों तरफ महिलाओं के, ताकि उसको कोई महिलाओं तक पहुंच ना पाए, और ये सब सारी चीजों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सिक्योरिटी बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो यह योजना दो बातों पर जोर देती है, एक क्या तो महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा, और दूसरी बात क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण में भी क्या तो आर्थिक सशक्तिकरण। इतनी बात स्पष्ट है, चले आगे। अब देखते हैं कि यह समेकित कार्यक्रम क्यों है, यह इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक या कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्यों है, इसको देखते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो चाहे भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग, चाहे भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग, कई प्रकार की योजनाएं इनके लिए चल रही हैं, कई प्रकार की योजनाएं इनके लिए चल रही हैं। उदाहरण के लिए तो यहां अगर हम लोग लिखना चाहें तो सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर, आगे देखें तो महिला हेल्पलाइन, क्या क्या है, तो महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे देखें तो बच्चों बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे और कुछ योजना बताइए, उज्ज्वला योजना, आगे क्या है, तो उज्ज्वला योजना है, ठीक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बोलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
ठीक, ऑनलाइन वाले हाँ हो गया। आगे देखें तो शक्ति सदन नारी अदालत। श्वेता जी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, और सखी निवास क्या है? तो सखी निवास आगे पालना घर, जिसे शिशु गृह भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं लगभग लगभग हम लोग के पास कितनी योजनाएं आ गई, तो 9 योजनाएं आ गई। अब इन योजनाओं को ही क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, इन्हीं योजनाओं को क्या कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है। और वर्ष 1 अप्रैल वर्ष 2022 से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई कब से की गई? तो 1 अप्रैल 2022 से। और समेकित का मतलब समझ पाए क्या बच्चों, कि इन सारी योजनाओं को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया, इन्हीं को अभी दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक, एक मिशन शक्ति संबल में और दूसरा मिशन शक्ति सामर्थ्य में। ठीक, तो इसीलिए समझ में आया, तो जब भी बताना हो मिशन शक्ति क्या है, तो यह एक समेकित कार्यक्रम है जो महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। बहुत सरल है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं तो इसके, इस मिशन के उद्देश्य क्या है। एक बात यहाँ पर और है बच्चों की, क्या है यह मिशन मोड में है, क्या है मिशन मोड में, यानी एक निश्चित समय काल में, एक निश्चित टाइम फ्रेम में जल्दी से जल्दी हमको इसको करना है। मिशन का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। ठीक, और मिशन का मतलब सारे काम को छोड़कर इसको किस में रखना है, हमें तो प्रायोरिटी में रखना है। बात को समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं अब इसके उद्देश्यों को, देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसको भी देखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, आवश्यक है। ठीक, तो देखें उद्देश्यों को, तो सबसे पहला तो यही है, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। ठीक, विभिन्न विभागों मंत्रालयों इत्यादि के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि कोई भी स्कीम हो तो पर्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट से स्लोली वह निर्भर नहीं होती, कोई भी स्कीम एक विभाग से पूर्ण रूप से संबंधित नहीं होती, उसका संबंध किसी अन्य विभाग से होता ही होता है।
समझ रहे हैं, जैसे बाल संदर्भ योजना हो गया, सुपोषण अभियान हो गया। अभी सुपोषण अभियान में क्या आ रहा है, राशन आ रहा है, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार आ रही है, तो वो कहाँ से आएगा, खाद्य वितरण विभाग से आएगा। बात को समझ रहे हैं, तो कोई भी स्कीम होती है उसका जो संबंध एक से ज्यादा विभागों से होता है। तो अभी जरा देखिए, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है तो यह महिला एवं बाल विकास विभाग से हो गया, ठीक। अब सुरक्षा तो पुलिस का रोल आएगा, गृह विभाग आ गया, समझ रहे हैं। सशक्तिकरण यानी अन्य विभाग भी आ गए जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, ठीक। मातृवंदना योजना आ गया, प्रसव की बात आ गई, स्वास्थ्य विभाग आ गया। तो जब भी किसी योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारे देश में प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि विभागों के मध्य समन्वय ही स्थापित नहीं हो पाता। इस प्रकार की गतिविधि को आप लोग दैनिक जीवन में दो जगह देख सकते हैं। एक तो आप देखेंगे कि बार बार सड़कों को खोदा जाता है फिर बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में समन्वय ही नहीं है। रोड बना दिए गए, नाली वहां बन ही नहीं पाया। रोड बना दिए गए, इलेक्ट्रिक पोल वहां पर लग ही नहीं पाई। फिर रोड को खोदो, फिर उसको मॉडिफिकेशन करो, बार बार फिर लोगों को समस्या होती है, सरकार का संसाधन भी व्यर्थ होता है। रोड बन गया था, आपने एक बार रेत गिट्टी सीमेंट पुल आप लगा चुके थे, फिर आपका क्या लगाएंगे दूसरी बार, तो इससे पैसे भी ज्यादा लगे और प्राकृतिक संसाधनों का व्यर्थीकरण भी हुआ। तो वैसे ही और दूसरी बात, आप लोग सिनेमा में देखे होंगे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उन लोगों के बीच भी समन्वय नहीं होता। केस को सब अपने पास ही रखना चाहते हैं, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। असहमति और नाराजगी आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती होगी। तो वैसे यहाँ भी है बच्चों कि जब तक विभागों के मध्य समन्वय नहीं होगा तब तक योजना को सुचारू रूप में क्रियान्वित किया नहीं जा सकता है, ठीक। हो गई इतनी बातें, चले आगे। तीसरी बात है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय तथा अन्य स्थानीय स्वशासन समूहों की भागीदारी एवं सहयोग। इस योजना में किसको शामिल किया गया है, स्थानीय स्वशासन निकायों को, जैसे कि पंचायती राज और नगरीय निकाय, क्योंकि यहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर जनप्रतिनिधि लोग दायित्व ले लें बच्चों, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध होना कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। कारण क्या है, जनप्रतिनिधि लोग उसका दायित्व ही नहीं लेते हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो गए तो फिर उनको चुनाव में बोलने के लिए कोई बात नहीं, चुनाव में उनको बोलने के लिए मिलेगा ही क्या, फिर तुष्टिकरण की राजनीति तो कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग सक्रिय रूप से भाग ही नहीं लेते हैं महिला सशक्तिकरण में। जिस दिन उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, काम अपने आप ही बन जाएगा। सब अगर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को, जो पंच लोग हैं अपने वार्ड को, अगर शपथ ले लें कि महिलाओं की संरक्षा करना है, सुरक्षा करना है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके ही गुर्गे करते रहते हैं, उन्हीं लोग लोफड़ होते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे कैसे होएगा, तो आगे क्या है, तो पंचायती राज एवं नगरीय निकाय तथा अन्य स्थानीय स्वशासन समूहों की भागीदारी एवं सहयोग को हमें सुनिश्चित करना है। चौथी बात, जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करना है। जनप्रतिनिधि चाहे ये किसी भी स्तर पर हो, जनप्रतिनिधियों को
भी प्रेरित करना है, जन प्रतिनिधियों को भी प्रेरित करना है, हमें जन प्रतिनिधियों को भी प्रेरित करना है। हो गई इतनी बातें, समझ में आ रहा उद्देश्य क्या क्या है? तो सबसे पहला मिशन शक्ति का तो एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं की संरक्षा सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। लेकिन इस ये जो तीनों चीजें हैं, ये इनको करने के लिए हमें अन्य तत्वों की भी जरूरत पड़ेगी, उसी की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। इन सबके बिना इसको करना बहुत ज्यादा कठिनाई भरा हो जाएगा। ठीक, आगे है तो यह जो स्कीम है या यह जो योजना है, यह जो योजना जो मिशन मोड में चलाई जा रही है, वह महिलाओं के जीवन चक्र के निरंतरता पर आधारित है, यानी इसमें प्रकृति को साथ में लिया गया है कि उनका जो लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग इस स्कीम को डिजाइन किया गया है। और ये कैसे किया गया है आगे देखेंगे। उनका जो जीवन का चरण होता है कि उनको बाल्यावस्था में किस प्रकार की समस्याएं, यहाँ पर कौन कौन से थ्रेट हैं, फिर आगे चलकर उनको किस प्रकार की जरूरत पड़ती है, जब फिर वो युवती हो जाती है, बालिकाएं से, तब उनको किस प्रकार की जरूरत पड़ती है, फिर गृहस्थ में, फिर प्रौढ़ अवस्था में, तो ये किस पर आधारित है, तो जीवन चक्र की निरंतरता पर आधारित है। छठवीं बात है कि हमको इस देश में जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, महिला प्रेरित विकास को हमें बढ़ावा देना है। महिला प्रेरित विकास, वीमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, जिसका नेतृत्व कौन करे, तो महिलाएं करें, तो महिलाएं प्रेरित विकास चाहिए। अगर विकास हुआ है, आज देखिए, आज इस विकास को आप विकास नहीं कह सकते, सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी महिलाएं हाशिए पर खड़ी हैं। समझ रहे हैं बात को? यह मिशन शक्ति के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। और इस योजना कब से शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 2022 से, और यह 15वें वित्त आयोग के दौरान चलेगी। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है बच्चों, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। तो यानी यह योजना भी कब तक चलेगी, तो 2025-26 तक चलेगी। तो यह हो गया मिशन शक्ति का पृष्ठभूमि हो गया, यह मिशन शक्ति का पृष्ठभूमि हो गया। ठीक, अब देखिए, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, इनको ही क्या कर दिया गया है, प्रणालीगत किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो आइए देखते हैं इसको व्यवस्थित कैसे किया गया है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, चले आगे। हाँ, देखते हैं, तो अभी इस योजना में सबसे पूर्व क्या बताना है, दो बातें बताना है जब भी आपसे पूछे मिशन शक्ति को। पहली बात कि यह एक समेकित कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, नारी अदालत, सखी निवास, पालना घर या फिर शिशु गृह। समझ रहे हैं, तो इन्हीं सबको क्या किया गया है, थोड़ा व्यवस्थित किया गया है, सिस्टमाइज किया गया है। ठीक, तो सबसे पहली बात हमें क्या बताना है कि यह एक समेकित कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्रोग्राम है ये, और इसमें मुख्यतः कितने उद्देश्य रखे गए हैं, 3, संरक्षा, सेफ्टी, यानी महिलाएं जहां भी जाएं उनके लिए क्या हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी, यानी पूरा सिस्टम ही, पूरा हमारा वातावरण ही महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए, अंतर समझे, प्रोटेक्शन में, सेफ्टी में और सिक्योरिटी में, क्योंकि हमको ये बात थोड़ा समझना जरूरी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को थोड़ा और जागरूक होना है, जैसे अभी आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जिसमें आपको सरकार जब मोबाइल बनती है तभी मोबाइल कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है,
उसमें पैनिक सिचुएशन डालिए आप कि जब भी पैनिक स्थिति हो तो इमरजेंसी कॉल लगे, समझ रहे हैं। कई ऐसे नंबर हैं, 5 को अगर प्रेस किया जाए लगातार तो फोन लग सकता है। अगर आपका फोन डिजिटल है, स्मार्टफोन है, तो सब में एक व्यवस्था कर सरकार पहले से ही देती है। तो ये क्या है, वीमेन सेफ्टी है। और एक एटमॉस्फियर यानी लोगों के हमारे सोसाइटी को ही क्या करना है, बदलना है, उसके बिहेवियर में क्या करना है, चेंज करना है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए अभी सबसे पहले तो हम लोगों को उनको सेफ्टी दे देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, फिर प्रोटेक्शन देकर हम लोगों को एक एटमॉस्फियर क्रिएट करना है जो महिलाओं के अनुकूल हो। और जब एटमॉस्फियर वैसा बन जाएगा तो फिर इस वाले की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में देखिए सरकार सिर्फ क्या करती है, महिलाओं को तुष्टिकरण, ये दे दिया वो दे दिया, ठीक है चलो जरूरत है तुरंत दे दी, अभी एटमॉस्फियर नहीं बना है। लेकिन एटमॉस्फियर महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं करते, केवल रेवड़ी बांटते रहते हैं। स्थिति ये कभी खत्म होगा क्या, रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया? भाई अगर आपको कोई रोग है, अगर उसका पूर्ण आप इलाज नहीं करोगे तो बार बार आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? उसका अगर एक बार शुरू में एक बार उसका टेम्परेरी इलाज हो गया, फिर जाकर कहीं उसका क्या किया जाए, पूर्ण इलाज किया जाए ताकि बार बार हमें जाना न पड़े। तो इसमें वही प्रयास किया गया है कि सेफ्टी के साथ साथ एक क्या हो, एक वातावरण बन जाए और उनको आर्थिक रूप से क्या कर दिया जाए, कैपेबल कर दिया जाए ताकि अपना निर्णय ले सके और अपनी रक्षा वो स्वयं कर सके। ठीक, चले आगे। तो इस मिशन शक्ति ने इस मिशन शक्ति के दो भाग कर दिए गए। इस मिशन शक्ति के कितने भाग कर दिए गए हैं, दो भाग कर दिए गए हैं। एक क्या है तो संबल, एक क्या है संबल है, और दूसरी क्या है तो सामर्थ्य है। दूसरी क्या है, सामर्थ्य। महिला विकास और पढ़ाते पढ़ाते महिला कार्यकर्ता बन जाऊंगा मैं, पता चला महिला मंडल का, महिला मंडली का अध्यक्ष पुरुष है, कहां से महिला सशक्तिकरण होगा। ठीक, तो इस पूरे इस मिशन को कितने भागों में बांट दिया गया, तो दो भागों में, एक क्या हो गया संबल हो गया, दूसरा क्या हो गया सामर्थ्य हो गया। ठीक, संबल में देखें तो संबल में क्या क्या आएंगे, सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर, इन लोग को खत्म नहीं किया गया है, हाँ समेकित किया गया है दो पार्ट में, जो पीछे लिखे थे स्कीम दो पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, क्लब किया गया है, कुछ योजनाओं को क्लब कर दिया गया है संबल के अंदर और कुछ को कर दिया गया है हाँ सामर्थ्य के अंदर। सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सहायता, महिला सहायता लाइन को तो लाइन ही कहेंगे हिंदी में भी, विमेन हेल्प लाइन, विमेन हेल्प लाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आगे क्या है तो नारी अदालत, आगे क्या है नारी अदालत। अब देखते हैं किसमें, तो सामर्थ्य में, सामर्थ्य में कौन कौन सी योजना है। सामर्थ्य में देखें तो सबसे पहले है शक्ति सदन, क्या है शक्ति सदन है, सखी निवास है, क्या है सखी निवास है। ठीक, आगे है पालना घर, क्या है पालना घर, जिसे क्या कह सकते हैं तो शिशु गृह। चौथा इसमें क्या है तो प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना।
समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। एक पार्ट क्या बना दिया गया, संबल, और दूसरा पार्ट क्या बना दिया, सामर्थ्य बना दिया। अब हम लोग को एक एक को करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे आप लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए अभी टाइम रहता है तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, करंट अफेयर्स में टाइम ही नहीं रहता है तो उसमें अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कभी कभी। चले आगे। तो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे पहला इसमें क्या है, बेटी बचाओ, यानी कि बच नहीं पा रहे हैं तभी तो बचाने, यानी उनको खतरा है तभी तो बचाने का प्रयास हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या खतरा है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको जानने के लिए इनके समक्ष क्या खतरा है, देखिए कुछ खतरा तो आप स्वयं देख पाते हैं और कुछ को आप या नग्न आंखों से या बिना दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुए देखा नहीं जा सकता। उसके लिए थोड़ा हमें अध्ययन की और थोड़ा विचार मंथन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ चीजें तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे बलात्कार, दहेज अपराध है, बाल विवाह है, लैंगिक उत्पीड़न है, बच्चों का कार्य स्थल पर छेड़छाड़ है, समझ रहे हैं, टोनही प्रताड़ना है, ये सारे अपराध तो आपको स्वयं दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन आइए कुछ हम लोग आंकड़ों के जरिए देखते हैं स्थिति क्या है। आंकड़े बड़ा महत्वपूर्ण है, आंकड़े हमारे सामने चित्र की सही स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए मैं सहारा किसका लेता हूँ, आंकड़ों का। कोई भी पाठ को पढ़ने से पहले मैं आंकड़े लाता हूँ, जैसे सुपोषण अभियान में भी देखे कि कुपोषण की क्या स्थिति है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि मामला क्या चल रहा है और कितना ध्यान देने की हमें जरूरत है। ठीक, तो बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, बात करें छत्तीसगढ़ की, आप लोग बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि लिंगा अनुपात, लिंग अनुपात, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, सेक्स रेशियो, क्या कह सकते हैं, सेक्स रेशियो कह सकते हैं। अभी देखिए लिंगानुपात का मतलब क्या है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, स्त्री और ये क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है और पुरुष। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, पुरुष, ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, स्त्री आ जाएगा। ठीक, बात करें किसकी सबसे पहले, तो पूरे राष्ट्र की, इसकी बात करते हैं पूरे राष्ट्र की। तो देखते हैं ये भारत के आंकड़े हैं, एक किसके आंकड़े हैं, तो भारत के आंकड़े हैं। अगर बात करें 2001 की, अगर बात करें 2001 की, तो उस समय जो लिंगानुपात था वो 933, कितना था, 933, यानी कि 933 है कितने पुरुष में, 933 महिलाएं हैं कितने पुरुष में, 1000। स्थिति विकट है। विकट क्यों है, प्रकृति क्या कहती है कि स्त्री और पुरुष में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, संतुलन नहीं रहेगा इसीलिए बलात्कार,
सप्लाई क्या हो गई, कम डिमांड तो वही है, पुरुष की संख्या तो कम हो ही नहीं रही है। समझ रहे हैं बात को? जितना ये नीचे की तरफ जाएगा उतना ही असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और महिलाओं के खिलाफ उतने ही ज्यादा अपराध होंगे। और ऐसे में सस्टेन हो पाएगा क्या भारत भूमि? सतत बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो हमें प्रयास करना है कि स्त्री या नारियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होना चाहिए। बहुत ही एक घिनौना अपराध है और यह हमारे सामाजिक परिस्थिति को भी प्रदर्शित करता है कि हमारा समाज महिलाओं के अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। समझ रहे हैं बात को? ये कब का है? तो 2001 का। बात करें कब की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। एक किसकी जनगणना के अनुसार है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। कितनी हो गई? 937 से 943 हो गई। ठीक, अब देखिए जरा हम लोग बात करें इसमें कि अर्बन और अगर रूरल सेक्स रेशियो देखें इसमें भी आकर। अब इसको नहीं देखेंगे 2001 वाला क्योंकि भाई बहुत सारा हो जाएगा तो कंफ्यूजन भी होने लगता है। तो कब को देखते हैं? तो 2011 में कि यही सेक्स रेशियो रूरल एरिया में कितना था और अर्बन एरिया में कितना था। ठीक, तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक क्या हो जाएगा रूरल यानी कि क्या, तो ग्रामीण। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा तो शहरी यानी कि क्या अर्बन। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है 949 और शहरी क्षेत्रों में है 929। यानी प्रयास ज्यादा कहाँ करने की जरूरत है? शहरी, शहर के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? डेवलप कहते हैं, अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं। लेकिन महिलाओं की स्थिति कहाँ ज्यादा बेहतर है लिंगानुपात में? देख लो, ज्यादा कहाँ जागरूकता की जरूरत है? दैनिक जीवन का अनुभव कुछ और कहता है, आंकड़े यहाँ कुछ और कह रहे हैं। समझ रहे हैं? अब इसी चीज को हम लोगों को कहाँ देखना पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का बताओगे क्या आप लोग? ओके, कितना है? तो 991 है। थोड़ा बच्चों हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देखते हैं। ठीक, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक देखना पड़ेगा कि वहां पर कितना आ रहा है। तो ये तो किसको, ये तो संपूर्ण के लिए हो गया। अब भारत के लिए हमको देखना पड़ेगा, भारत के लिए ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर ही देखते हैं हम लोग। ठीक, ये किसकी बात हो रही है? तो चाइल्ड यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगा अनुपात सेक्स रेशियो। ठीक, सेक्स रेशियो को देखें तो 2011 अलग स्थिति दिखाई पड़ेगी, इसीलिए इसको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। यहाँ आपको चीजें अलग दिखाई देंगी। 2011 918 और 2001 934। अब जरा इन दोनों आंकड़ों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, बेहतरी हुई 933 से कहा, लेकिन यहाँ देखिए यानी लिंग और भ्रूण हत्या हो रही है। 2001 में क्या थी, ज्यादा घटी, यहाँ तो बढ़ गई लेकिन यहाँ पर यानी स्पष्ट रूप से लिंग चयन और भ्रूण हत्या की घटनाएं हो रही। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंग अनुपात घट रहा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों के बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में कम हो रही है, इसीलिए आप देखेंगे अपराध भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं बात को बच्चे लोग? ठीक, अब इसी चीज को हम लोगों को कहाँ देखना पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या मामला चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में 2011 में कितना है तो बच्चों 991, और 2001 में 989। ठीक, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं तो ये भारत का ही है, ये भारत के ही आंकड़े हैं, राष्ट्रीय आंकड़े हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में जा रहे, इन्हीं सब आंकड़ों को कहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे। ठीक, स्पष्ट है? तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में 2001 में क्या था, तो 989, और 2011 में 991, यानी भारत से तो बेहतर है कि नहीं? भारत से बेहतर, भारत से बेहतर है छत्तीसगढ़। भारत में कितना है तो 943, क्या है 943 है, और छत्तीसगढ़ में 991 है। अब हम लोग को कोई कितना भी पिछड़ा जंगली कह ले, नक्सलाइट वाला एरिया कर ले, लेकिन महिलाओं की तुलना में तो ठीक ही है। कम से कम यहाँ उतना अपराध तो नहीं हो रहा है, भ्रूण हत्या लिंग चयन उतनी तो नहीं हो रही है। चले आगे, अब इसमें क्या देखना पड़ेगा, शहरी और ग्रामीण। यहाँ भी हमें पता चलेगा छत्तीसगढ़ सरकार को कहाँ कार्य करने की ज्यादा जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में कि शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण हो गया और यह क्या हुआ तो शहरी क्षेत्र, अर्बन हो गया और यह रूरल हो गया, यह अर्बन हो गया और यह रूरल हो गया। तो देखें इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को देखें छत्तीसगढ़ में, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति मुस्कुराने वाली है, यानी एक महिला क्या है ज्यादा है, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन शहरी क्षेत्र में फिर मुंह को हम लोगों को ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे यानी कि 956, यानी कि यहाँ पर अभी 44 महिलाओं की कमी है। समझ रहे हैं बात को? अब क्या देखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में ही चाइल्ड वाले को देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं चाइल्ड वाले को, इधर क्या कर लेते हैं हम लोग, चाइल्ड यानी कि क्या, तो 0 से 6 वर्ष तक बच्चों का क्या तो सेक्स रेशियो लिंगा अनुपात, ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए किसी देश में आप महिलाओं की स्थिति का अंदाजा किस बात से लगा सकते हैं, लिंगानुपात से लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि वहां उस समाज में या उस देश में महिलाओं का कितना सम्मान है, कितनी उत्कृष्ट है या कितने निकृष्ट है। ठीक, तो इसमें देखें तो 2001 975, 2001 में 0 से 6 वर्ष तक लिंगानुपात कितना था तो 975 था, और 2011 में यानी ठीक वही पैटर्न चल रहा है जो भारत में चल रहा है, यानी यहाँ तो क्या हो जाए दो बढ़ गई, लेकिन फिर से भारत में भी क्या हुआ था, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हुई थी और यहाँ भी क्या हो रही है, यानी ये क्या है चिंता का विषय है। अगर लिंगानुपात में ज्यादा ध्यान देना है तो कहाँ देना पड़ेगा, और कहाँ ज्यादा देना पड़ेगा, ग्रामीण की शहरी में, शहरी में। तो इन आंकड़ों के जरिए आपको यह ज्ञात हुआ क्या कि कार्य करने की जरूरत है लिंगानुपात हमें। भाई देखिए ये काम क्यों है, ये काम यही बात है क्योंकि लोग चाहते नहीं है बच्चे, महिला नहीं चाहते ना लोग, क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वातावरण ही उनके अनुकूल नहीं है। माँ बाप क्यों लिंग चयन कर रहे हैं, क्योंकि वही है दहेज प्रथा है, महिलाओं के कार्य करने के अनुसार नहीं है, पूरा वातावरण ही महिलाओं के प्रतिकूल है, इसीलिए नहीं चाहते हैं वो। भाई अगर पुरुष होगा तो उनको सहूलियत होती है, कहीं भी भेज सकते हैं अपने काज में उनका सहायता ले सकते हैं, महिलाओं से ऐसा नहीं हो सकता, उनको काम पे नहीं भेज सकते, उन काम पर भेजेंगे तो उनके साथ दुष्कर्म की संभावना रहती है, स्थिति बेहतर नहीं है, इसीलिए तो ये कम है ना। भाई इसका कम होना क्या बता रहा है, ये तो शौक से हुआ नहीं होगा, किससे हुआ होगा तो मजबूरी से ही हुआ होगा,
यानी हमें महिलाओं लिंगानुपात को बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, लिंगानुपात कब बढ़ेगा, जब संपूर्ण वातावरण महिलाओं के अनुकूल होगा, क्योंकि अगर इसको नहीं संभाला गया स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय स्तर पर आ जाएगी। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी लिंगानुपात है केरल की 1084, वहां यानी 84 महिलाएं क्या है, ज्यादा है 1000 पुरुषों पर। ठीक, इतनी बातें हो गई, अब चले हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले हमको देखते हैं इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो 22 जनवरी 2015 को। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब इसमें देखते हैं, इसके उद्देश्यों को देखना सबसे पहले क्या है, जरूरी है। उद्देश्यों को देखना जरूरी है कि सबसे बड़ी बात यह कहता है बालिकाओं या महिलाओं से संबंधित लिंग चयन एवं भेद भाव पर रोक, लिंग चयन एवं भेदभाव पर रोक, महिलाओं की क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। और तीसरी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, आगे पढ़ाओ वाला हिस्सा क्या है, तो शिक्षा है। तो इन चीजों को हम लोगों को, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन और भेदभाव पर विभेद होना चाहिए, बालिकाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। हो गई इतनी बातें, स्पष्ट है। आइए देखते हैं इस योजना का लक्ष्य क्या है। नहीं समझ पाए क्या, समझ गए? अब देखते हैं इस योजना का टारगेट क्या है, कहां जाना चाह रहा है यह योजना और कहां ले जाने का प्रयास कर रही है हमारी सरकार। तो क्या देखते हैं, योजना अंतर्गत लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य क्या है, तो लिंगानुपात में सुधार करना। लिंगानुपात में क्या करने की जरूरत है, तो सुधार करने की जरूरत है। ठीक, बालिकाओं में पोषण स्तर में सुधार होना चाहिए, बोलिए, पोषण स्तर में सुधार होना चाहिए। तीसरी बात कि सक्षम आंगन बाड़ी एवं पोषण 2.0 का 100% लाभ बालिकाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही उनको क्या करना है, मजबूत करना है। जब छोटे रहे तभी उनको हमको सशक्त कर देना है। जो चीज न्यू से मजबूत हो जाती है वो सदा जीवन पर्यंत क्या रहती है, मजबूत ही रहती है। तो 100% लाभ सुनिश्चित करना, उपलब्ध कराना, ठीक है, आगे चलें। इसको लिख सकते हैं 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये भी कि जो भी बालिकाएं हैं वो आंगनबाड़ी में, सभी के सभी 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाएं आंगनबाड़ी में उपस्थित हों, ये प्रयास करना चाहिए हमारी सरकार को और समाज को भी और माता पिता या पालकों या संरक्षकों को भी। ठीक, आगे देखते हैं उच्चतर माध्यमिक
उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उच्चतर माध्यमिक शालाओं में महिलाओं को नहीं बालिकाओं, कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, महिला कह दिया, शालाओं में बालिकाओं का अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करना, अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करना। उच्चतर माध्यमिक शालाओं का मतलब क्या है बच्चों, कि देखिए एक तो होता है कि क्या प्राइमरी स्कूल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं प्राथमिक, फिर उसके बाद होता है पूर्व माध्यमिक, फिर होता है माध्यमिक, फिर होता है उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक यानी ग्यारहवीं बारहवीं, समझ रहे हैं अंग्रेजी में क्या प्राइमरी, मिडिल, हायर, हाई स्कूल, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी। उत्तर प्रदेश बिहार में ग्यारहवीं बारहवीं को मैट्रिक कहते हैं, ठीक। अब ये काम क्यों, क्योंकि आप लोगों को एक दृष्टांत हम देते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है तो ऐसे वैसे ही ड्रॉप रेट बढ़ता जाता है, लोगों की स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती जाती है। जो गांव से होंगे शहरों में कम होता है, जो गांव वाले देखे होंगे कि जो आपके दोस्त याद रहते होंगे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, कुछ लोग स्कूल को छोड़ते जाते हैं, ठीक। अब अगर देखें तो यही स्कूल छोड़ने की दर अगर उच्च आय वर्ग में कम होगा और निम्न आय वर्ग के लोगों में ज्यादा रहता है, कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी से, गरीब को कहीं काम करने जाना पड़ जाता है, कम आयु में ही उसको पैसे कमाने की आवश्यकता आन पड़ती है। अब इसी ड्रॉप रेट को फिर डिवाइड करें किसमें, महिला और पुरुष में, बालक और बालिकाओं में, तो किसमें छोड़ने की ज्यादा दर होगी, बालिकाओं में, क्योंकि उनको फिर शादी करना है, शादी करने के लिए फिर प्रशिक्षण लेना है ताकि और घर का काम काज सीख सके। जो भी रिश्ता देखने आते हैं आजकल तो थोड़ा माइंडसेट बदल रहा है, पहले सबसे पहले पूछते थे घर का काम करने आता है कि नहीं, चूल्हा चक्कर कर लेती है कि नहीं, झाड़ू पोछा कर लेती है कि नहीं, सही से पैर छू लेती है कि नहीं, तो सारे चीजों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये बात हो गई क्या, तो चार बिंदु हो गए, ठीक। आगे है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तभी ड्रॉप रेट कम हो पाएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी शालाओं में 100%, 100% का मतलब हाँ 100% शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शौचालयों की उपलब्धता। क्योंकि देखिए बच्चों, जब तक प्राइमरी स्तर में होते हैं तब तक वहां भी होना चाहिए, वहां भी सैनिटेशन की जरूरत है, स्वच्छता होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से किसी भी शाला में शौचालय का अभाव नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बात अगर सोचें तो प्राथमिक तक बातें नहीं भी है तो बन जाती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है फिर यह काम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता। और एक सबसे बड़ा कारण है तो किसका, ड्रॉप आउट का, घर वाले क्यों नहीं भेजते हैं, यही कारण है, क्योंकि सार्वजनिक स्कूल में शौचालय ही नहीं होते थे, हम लोग के टाइम में शौचालय होते ही नहीं थे स्कूलों में, बनते थे लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या हो जाते थे, निष्क्रिय हो जाते, कोई ध्यान देने वाला नहीं, साफ सफाई वाला नहीं, समझ रहे हैं। अभी भी जाओगे ना तो अब स्थिति बेहतर हुई है, अब शौचालय बने हुए हैं, पहले बिल्कुल नहीं होते थे, एक कमरा बना दिया जाता था, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए जाते थे किसका, प्रतीक मात्र के लिए, लेकिन वह कमरा जाने की स्थिति में, वहां शौचालय को, शौचालय के निष्पादन की स्थिति में वह नहीं रहती थी, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, शौचालय होना ही चाहिए, तभी महिला गरिमापूर्ण वहां शिक्षा ग्रहण कर सकती है, ठीक।
तो सभी शालाओं में क्या करना है, हमें 100% शौचालय सुनिश्चित करना है। ठीक, तो ये इसके क्या है, कुछ लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य और है कि बालिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न, बालिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये महिलाओं की क्या हो गई, सुरक्षा हो गई, और ये उनके पोषण स्तर का ख्याल हो गया और उनकी शिक्षाओं का भी ध्यान में रखा गया है। ठीक, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, और इन सब के जरिए हमें ये जो योजना है ध्यान रखेंगे। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में लिख लीजिएगा कि यह योजना व्यवहार एवं मानसिक परिवर्तन के लिए है। इसमें मुख्य जोर कहाँ दिया गया है, लोगों का क्या हो, व्यवहार परिवर्तित हो, किसके प्रति, बालिकाओं और महिलाओं के प्रति। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बहुत प्रसिद्ध योजना रही है, बहुत ही प्रसिद्ध योजना रही है। हो गई, हो गया इतनी बात। ये बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम है। ठीक, चलें आगे। क्या ये वो वाला जो महिलाओं के लिए वो 13 है, ये किसके लिए है, बालिकाओं के लिए है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो है पॉस एक्ट वो, हाँ ठीक, हो गई इतनी बातें। चले अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में आते हैं इस योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हुआ। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका क्रियान्वयन कब से शुरू हो जाता है, 2015 से। सबसे पहले 2015 में रायगढ़ जिला को इसमें शामिल, पहले ये योजना देश भर में 100 चयनित जिलों में ही चलता है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है देश भर में केवल शुरू में जब हुआ था तो कब चला था, 100 चयनित जिलों में। अब इसका विस्तार हर जिले में कर दिया गया है, अब भारत के हर जिले में यह योजना चल रही है। शुरू में कहाँ चला था, तो 100 चयनित जिलों में, तो उसमें से 2015 में क्या शामिल हुआ था, तो रायगढ़। 2018 में किसको शामिल किया गया, तो बीजापुर को, 2018 में बीजापुर को शामिल किया गया। और 2022-23 2022-23 से यह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में लागू है। वर्ष 2022 से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में यह लागू है, और एक जिले के लिए शौचालय वौचालय का निर्माण करने के लिए, समझ रहे हैं, सारी व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 से 30 लाख रुपए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए आरक्षित किया जाता है। तो किसको दिया जाता है, जिला को, ताकि वो अपने जिला में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ से संबंधित गतिविधियों का निष्पादन कर सके। ठीक, तो यह आपका क्या हो गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। कल हम लोग मिशन संबल के तहत एक किसी योजना की बात और करेंगे। ठीक, ध्यान रहेगा। तो यानी बच्चों क्या सीखे थे शुरू में, कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सरकार किस प्रकार से नारियों के पोषण का ख्याल रख रही है, सक्षम आंगनबाड़ी के जरिए और सुपोषण अभियान के जरिए, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के जरिए, और सरकार ने एक ढांचा भी बना रखा है जिसके तहत पोषण स्तर का आकलन किया जाता है। पूरे भारत भर में उसके लिए सितंबर माह है, और छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार है जो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या
कि जो हम काम कर रहे हैं पोषण की सुधार के लिए उसमें क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उनकी स्थिति क्या है, इन सब का आकलन किया जाता। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़े हैं, सिर्फ पोषण स्तर को सुधारने से महिलाओं की महिलाओं के लिए सुलभ रास्ता नहीं बन सकता है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, उनकी संरक्षा भी करनी पड़ेगी, और सबसे अहम उनको क्या करना पड़ेगा, सशक्तिकरण करना पड़ेगा, उनका एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग पोषण से हेल्थ सेक्टर कहाँ आ गए हैं, तो उनके एम्पावरमेंट पर और उनकी सिक्योरिटी पर, कि गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है। समझ रहे हो ना, शिफ्ट को समझ पा रहे हो। अब अपने दिमाग में माइंडसेट डेवलप करना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है महिलाओं के लिए। तो एक हिस्सा किसके लिए हो गया, पोषण के लिए, पोषण में सब समझ लिए, कुछ प्रिवेंशन के लिए आंगनबाड़ी, ठीक, कुछ जो कुपोषित हो गए उसके लिए दो योजना, सुपोषित अभियान और बाल संदर्भ, और इन सब के जायजा के लिए, आकलन के लिए वजन त्योहार, ठीक। अभी हम लोग पोषण से आगे बढ़कर कहां आ गए हैं, तो उनकी सेफ्टी पर, ठीक, सेफ्टी वाले के बाद फिर कहां चलेंगे, तो सशक्तिकरण पर, कि कैसे उनको प्रशिक्षण, सशक्तिकरण में वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी जिक्र किया जा सकता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का भी जिक्र किया जा सकता है। समझ रहे हैं, तो कल हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर या किसी अन्य योजना को देखेंगे, यानी कि परसों, ठीक हो गई बात।